के गवर्नर पहुंचे। बुलंदशहर के गांव मुड़ी बकापुर में ग्राम दिवस के प्रोग्राम पर पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि अगर सरकार MSP को लेकर किसानों की बात नहीं मानती है तो मैं अपनी गवर्नर की कुर्सी छोड़कर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए राज्यपाल सतपाल मलिक ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज दिल्ली में राजपथ के नाम को कर्तव्य पथ करने के सवाल को लेकर कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। हमेशा किसानों का साथ दिया है, किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाती है। क्या अभी किसानों की समस्या हल हो पाई है? क्या आप सहमत हैं? अभी पिछले समाज में बिल्कुल नहीं हुई। जब तक MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया तब तक किसानों की समस्या हल नहीं मानी जाती। अभी आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी किसानों की, अगर बात नहीं मानी गई तो मैं गवर्नरशिप से इस्तीफा भी दे सकता हूँ और किसानों की लड़ाई में लड़ूंगा। जिस दिन से किसानों की लड़ाई चली है से इस्तीफा मेरी जेब में है, पर मेरा एक निवेदन था कि जिन्होंने मुझे बनाया है वो अगर कह देंगे हमारा नुकसान हो रहा है तुम्हारी बातों से तो एक मिनट में दे। सर, सेंट्रल आज उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, उसको लेकर क्या कहना है कि राजपथ का जो नाम भी चेंज कर दिया है सर? राजपथ का नाम चेंज करने की मेरी दृष्टि में कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजपथ कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं चूँकि बहुत तरह से समझिए कि तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं तो आज कितनी होगा तो इसका कर दिया। अच्छा, खस्ता हाल स्कूलों की जगह मदरसे का सर्वे कराया जा रहा है, इस पर आपका क्या नजरिया है? ये सियासत है नहीं, या अगर, मंशा? अगर सर्वे करा के इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए तो ये सियासत नहीं है। ठीक इसी तरह से जो आपके स्कूल चलते हैं उनका भी सर्वे कराया जाए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उस योजना से देश की फौजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जवानों का जज्बा खत्म हो जाएगा लड़ने का, कोई गोली खाने के लिए नहीं आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो है भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो अच्छा कर रहे हैं। दूर तक सही है, ये एजेंसियाँ सरकारी लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनके यहाँ भेजना चाहिए। यूपी में लगातार बुलडोजर की राजनीति की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये डर दहशत पैदा करने का एक जरिया बन गया है? नहीं, बुलडोजर किसी क्रिमिनल के यहाँ जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ रंजिश में किसी का घर गिरा दो वो ठीक नहीं। अब तक देखा गया है कई ऐसे जो सियासी तौर पर सरकार के दुश्मन हैं, पार्टी के दुश्मन हैं, उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, वो ऐसा तो क्रिमिनल पे चले ठीक है, लेकिन सियासी तौर पे आप अपने दुश्मनों का सफाया एक बुलडोजर से करना चाह रहे हैं, ये नजरिया कामयाब नहीं है। सर, क्या लगता है देश में महंगाई है नहीं है? तो आप बताएंगे, ये तो आप सड़क चलते अंधे आदमी से पूछ लो बता देगा कि महंगाई है और बहुत भयानक महंगाई है। CTE पास लोग रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है, बेरोजगारी इस कदर है कि कभी आपने सरकार को मशवरा सलाह दिया कि नहीं कि भाई आप इस पे काम कीजिए? मैं तो 50 बार मशवरे दे दिए, मेरा मशवरा मानता हो तो तब की बात है, लेकिन आप ये देखिए पटवारी की पोस्ट निकलती है, PhD पास लड़के अप्लाई करते हैं और हजारों की तादाद में हर पोस्ट होंगी, हजारों लड़के अप्लाई करते हैं, इससे ज़्यादा बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो बिहार के CM नीतीश कुमार को विपक्ष का लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? क्या कहना? ना बनाया जा रहा है ना वो बन रहे हैं, अभी विपक्ष का कोई चेहरा नहीं। अगर कोई व्यापारी अपनी सुई बेचना चाहे तो वो अपना रेट खुद निर्धारित करता है, किसान अपनी जींस बेचना चाहे तो उसका रेट कोई रेट नहीं है, मंडी में लाला जी कहते हैं कि भाई इतने का बिकेगा तो इतने का बिकेगा। इसलिए तो MSP चाहिए कि इससे नीचे दाम आ जाएगा तब सरकार इंटरवीन करेगी और खरीद लेगी। तो इसमें क्या अड़चने हैं? एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी में भी ये बताया जा रहा है कि वही लोग जो जिन्होंने मसौदा तैयार किया वही लोग जो है उस कमेटी में तो
उसका चेयरमैन वही है जिसने एक मैं तो नहीं कहना चाहता, हर वक्त ये लगेगा मुझे कोई काम ही नहीं है सरकार की आलोचना करने के अलावा, लेकिन MSP को लागू ना करने के बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है, क्या मानते हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पतियों का साथ देना चाहती है सरकार, साफ साफ अडानी भी, क्योंकि अडानी ने पानीपत में बहुत बड़े गोदाम बना के और बड़े पैमाने पे